देख रहे हैं जो सारे पत्थर है आपको डूबते हुए नजर आएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्पष्ट आप देख सकते हैं। लोग है वो गहरे जल पे न रहे और सूचना प्रसारण केंद्र से हमेशा तो प्रसारित किया जा रहा है सूचना, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान बिल्कुल देख रही है। अभी जल की धारा को फिर से छोड़ा जा रहा है, फिर से अब तेज जल आ रही है धीरे धीरे। देखेंगे देख रहे हैं ये वाली जो एरिया आप कुछ देर बाद डूबे हुए नजर आएगा। देख रहे धीरे 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 जल की धारा अब बढ़ रही है, क्योंकि सुबह सुबह स्कैन बढ़ाया जाता है ताकि जो तो यहाँ पे भी उतनी है वहाँ पे भी उतनी है, लेकिन जल अब बढ़ रहा है। अचानक जब जल बढ़ जाएगा देख रहे हैं ये लोग वापस आ रहे हैं। जल ऐसा ही बढ़ता है, लोग बाहर आते हैं भागते हुए देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। देख रहे हैं इस तरह की जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि जल की धारा अभी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी, अभी बढ़ रही जल की धारा। देखेंगे अभी जब तक हरके पड़े जाएंगे अच्छे खासी जल की धारा हो जाएगी। और घाटों पर देख रहे हैं भीड़ कितनी ज्यादा है। और आज दिन की बात कहें तो सोमवार है और 8 जुलाई है, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या अब बढ़ती नजर आएगी। और देख रहे हैं यहाँ से मनसा देवी की दरबार में लोगों की संख्या, देख रहे कितने सारे लोग जा रहे हैं, पूरे ट्रैक फुल नजर आ रहा है। यहाँ से धीरे धीरे जल बढ़ रहा है, भराई से जल छोड़ दिया गया है। ऐसे भी बिल्कुल भी स्नान न करें गहरे जल पे जाके। देख रहे हैं ये है शिव घाट पे, भगवान शिव की यहाँ पे आपको पूजा पाठ करने को मिलेगा। और काफी अच्छा घाट है, जब अभी कांवड़ का सीजन आ रहा है तो यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा होता है, क्योंकि लोग स्नान करते हैं फिर जल चढ़ाते हैं। और जल की धारा आप देख रहे हैं काफी तेज हो चुकी है। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है। हर हर महादेव। जी हम आ चुके हैं शिव घाट पे, शिव घाट में श्रद्धालुओं की संख्या आप देख रहे हैं, जल की धारा बढ़ रही है। तो फिर हम आज उस तरफ नहीं जाएंगे जिधर हम कल गए थे, देख रहे हैं कुछ लोग अभी भी यहाँ पे आराम कर रहे हैं सुबह सुबह, कुछ लोग यहाँ पे शिवलिंग बना रहे हैं। देख रहे हैं उधर का एरिया पूरा सूखा हुआ था और उधर तो खैर भी सूखा हुआ, क्योंकि उधर काफी ज्यादा जल होने के बाद ही उधर जल दिखाई देगा। देख रहे हैं जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो भी मौसम का है और भीड़ आपको देखने को तो नॉर्मल ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं होता, स्नान करने में होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसी कारण सुबह सुबह ही छोड़ देते हैं ताकि जल पर्याप्त हो और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। अभी हम आ चुके हैं, सुबह के 8 बजने को है। घाट में हरके पैड़ी में भीड़ तो आपको नजर आगे ही आएगा, लेकिन जो बाकी जो घाट है उसमें आज थोड़ा कम भीड़ है। बाकी हरिद्वार की यात्रा में बस आपको बारिश का ही ध्यान रखना है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर बारिश होती थोड़ी बहुत तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और रही बात आपके यहाँ पे बाढ़ का दृश्य, तो बाढ़ का हरिद्वार में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल हरिद्वार आइए आराम से स्नान कीजिए। देख रहे हैं अब जल की धारा तेज होगी, देख रहे हैं वहां पे जंजीर भी अब जल में टच हो रहा है, पहले जल में टच नहीं हो रहा था, अब लगभग 1 घंटे में पूरी पर्याप्त जल आ जाएगा घाट पे। यहाँ से प्रमुख घाट यानी नई घाट हरकी पैड़ी स्टार्ट हो जाता है। अब चल रहे हैं हम हरकी पैड़ी की ओर, यहाँ से बस हरकी पैड़ी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 100 मीटर घाटों पर जैसे एंट्री करेंगे काफी ठंडी हवाएं आपको लगेंगी। देख रहे हैं यहाँ पे सोना जा सिक्के ढूंढ रहे हैं, बस हरकी पैड़ी पहुंचने वाले हैं अब।
चलते हैं पहले ब्रिज में भागीरथी सेतु पे, यहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं। ये हम आ चुके हैं नई घाट पे, देख रहे उनका बैलेंस बिगड़ रहा था। जल की धारा बिल्कुल नहीं है तो भी इसे बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि पैर रखना नीचे पे रेत और पत्थर भी है तो बैलेंस ऐसे बिगड़ जाता है। देख रहे हैं एक घंटे के अंदर जल आपको पर्याप्त देखने को मिलेगा। देख रहे हैं जल में आप काफी मिट्टी रेत है, और ये आपको अभी पूरे बरसात देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं पानी का ऐसा पत्थर के ऊपर चढ़ा, धीरे धीरे। देख रहे हैं अभी हम आपको दिखाते हैं नजदीक जाके। काफी पत्थर है यहाँ पे, देख रहे हैं कितने गैप है पत्थरों के बीच में। देख रहे हैं लगभग आप पानी उसके ऊपर चढ़ गया। देख रहे हैं जो लोग गहरे जल पे गए हैं उन्हें सूचना प्रसारण केंद्र की ओर से बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल जाएं ताकि कोई दिक्कतें ना हो। बोले यहाँ पे कांवड़ सजा रहे हैं। देखिए कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था और आज के वीडियो में आपको पूरे जली जल नजर आएंगे। कल काफी ज्यादा जल नहीं था, और आज जो जल की धारा आ रहा है वो अभी हम देखेंगे किधर से आ रहा है, या फिर आ रहा होगा सूखी नदी की ओर से, या फिर बहराज को छोड़ दिया गया, क्योंकि जल की धारा आज तेज है कल की तुलना में। बस अब हर की पेड़े पहुंचने वाले हैं। भोलों की संख्या देख रहे हैं, कांवड़ की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अब कांवड़ जो आपको देखने को मिलेंगे वो भारी भरकम जो कांवड़ है 200-250 लीटर वाले वो चले गए हैं। अब जो आपको नजर आएंगे वो 50-51-100 लीटर मैक्सिमम यही नजर आएंगे, और जो नजदीक के हैं हरिद्वार के आसपास 100-150 किलोमीटर के आसपास वही लेके जाएंगे 200-250 लीटर गंगा जल। देख रहे हैं गंगा जी सूखने के बाद आपको दिखाई देता है कि लोग क्या गंदगी कर जाते हैं यहाँ पे, कपड़े पॉलीथीन ये सारे गंगा जी पे बहाते हैं और वो यहाँ पे फंसे रह जाता है और गंगा जी को प्रदूषित करता है। ये हम आ चुके हैं प्रमुख घाट हर की पैड़ी में, संख्या आप देख रहे हैं। गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, काफी कम जल है और जल की धारा धीरे धीरे अब बढ़ रही है, और देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे कपड़े पॉलीथीन आपको नजर आएंगे। ये सारी चीजें जो गंगा जी में सब बहा देते हैं और यहाँ पे आके आपको फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय मां गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।